महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित किया है राजस्थान रॉयल के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग टीम की आघातक प्लेइंग 11 टीम में किया है बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोर्ट की और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग टीम ने अपने आखिरी मैच के लिए क्या घोषित किया है, सीएसके के प्लेइंग 11 टीम में क्या किए हैं बड़े बदलाव, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके कप्तानी आईपीएल 2023 में भी करें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल पर पहली बार है तो क्रिकेट से जुड़ी और छोटी बड़ी खबर पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पूरी खबर। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम का आईपीएल 2022 का अपना आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेलना है। चेन्नई सुपर किंग टीम प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन यह मैच सीएसके का आईपीएल 2022 का आखिरी मैच है और इस मैच में सीएसके टीम जीत के साथ सीजन की जीत के साथ खत्म करना चाहेगी। दोस्तों, अगर चेन्नई सुपर किंग टीम की आईपीएल 2022 की बात करें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चेन्नई सुपर किंग टीम इतने मैच लगातार हारी हो, और इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब चेन्नई सुपर किंग टीम प्लेऑफ के रेस से बाहर हुई हो। वहीं दोस्तों, राजस्थान रॉयल अपनी जीत के साथ अब अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी। अगर हम चेन्नई सुपर किंग टीम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। चेन्नई सुपर किंग टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही निराश किए हैं। पिछले मैच में चेन्नई की टीम में बड़े बदलाव देखने को मिला था, जहां पर युवा खिलाड़ियों को मौका मिला था। वहीं अपने आखिरी मैच में चेन्नई सुपर किंग टीम में महेंद्र सिंह धोनी बड़ा बदलाव कर सकते हैं और राजवर्धन नंगरकेकर को प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं। राजवर्धन नंगरकेकर एक युवा ऑलराउंडर है और 19 मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। शिवम दुबे को इस मैच में आराम दिया जा सकता है। शिवम दुबे अभी तक हर एक मैच खेल चुके हैं और वह आखिरी मुकाबले में टीम से बाहर हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर चेन्नई सुपर किंग टीम के राजस्थान के खिलाफ अपने आखिरी मैच की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, मोइन अली, एन जगदीशन, राजवर्धन नंगरकेकर, महेंद्र सिंह धोनी, मिचेल फेंट्रल, प्रशांत सोलंकी, समरजीत सिंह, महिषा पथराना, मुकेश चौधरी टीम में शामिल रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान रॉयल के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग टीम अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।